दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। मैं हूं चरणजीत बिष्ट और मैं अभी मार्केट पहुंचने वाला हूं। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको ले जाएंगे नैनीताल शहर की लेक दिखाएंगे। और नैनीताल शहर में अभी लगा है दुर्गा देवी महोत्सव और नवरात्रि का टाइम है। और आपको ले जाएंगे नैना देवी टेम्पल पे, जहाँ पर दुर्गा देवी की मूर्तियाँ जो हैं बनाई गई हैं। तो आपको दिखाएंगे कि कैसा नैनीताल का भी वेदर है और कैसा क्राउड है मंदिर एरिया में, और नैनीताल की झील दिखाएंगे दोस्तों। और बनेगा दोस्तों एंड तक हमारे संग। मैं पहुंच गया हूँ नैनीताल के खेल के मैदान में, DSA क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं इसको। और सबसे पहले आपको ले चलता हूँ नैनी झील के पास, और उसके बाद ले जाएंगे आपको टेम्पल के पास दोस्त। सर, सितंबर के टाइम पे लगता है नैना देवी का मेला महोत्सव, और फिर अक्टूबर जब दशहरा का टाइम आता है तो यहाँ पर लगता है दुर्गा देवी महोत्सव। और यहाँ छोटे छोटे झूले जो हैं बच्चों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और नंदा देवी में तो ज़्यादा दुकानें लगती हैं, और जो दुर्गा देवी महोत्सव होता है इसमें जो है कम दुकानें लगती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के घूमने के लिए, और आप यहाँ से सामान कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पर चल रही है रात के दशहरे की तैयारी, और शाम को यहाँ 8 बजे जो है आतिशबाजी होती है। और ये अलग अलग पुतले, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह वगैरह के यहाँ पर पुतले बनाए जाते हैं। हम देख सकते हैं अभी यहाँ तैयारी चल रही है, करीब 1-2 घंटे इसको बनने में लगेंगे, फिर इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं इनके पास दोस्तों, नैनीताल मल्लीताल क्षेत्र का वोट स्टैंड है, और यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोटिंग की जाती है। देख सकते हैं काफ़ी वोटिंग अभी कर रहे हैं टूरिस्ट। दोस्तों, अगर नैनीताल घूमने आप आ रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर का सीजन सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें क्राउड भी कम रहता है और होटल के रेट भी कम हो जाते हैं। और बोट, अगर बोटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें भी आसानी से बोट मिल जाती है आपको बोटिंग करने के लिए। दोस्तों, ये वो स्टैंड है जहाँ पर मई जून के टाइम में तो काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है बोटिंग करने के लिए, और पूरी बोटें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, और काफ़ी लंबे समय बाद उनको यहाँ पर बोट मिलती है। और अलग अलग चार्जेस हैं यहाँ, एक पूरी झील का और आधी ताल का। कुछ दुकानें लगी हैं यहाँ मेले में, DSA ग्राउंड में। और फिर चलते हैं फुटिया मार्केट की तरफ, और जहाँ खूब सारी कपड़ों की दुकानें हैं। और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो यहाँ पर गर्म कपड़े, जैकेटें वगैरह मिलती रहती हैं। दोस्तों, अभी दुर्गा देवी महोत्सव है तो दुर्गा देवी की जो मूर्तियां हैं पूरे शहर में उसका भ्रमण किया जाता है। तो अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहां पर आए हुए हैं, उस टोले के आगे चलेंगे। और अभी कुछ प्रसाद की दुकानों के बाद हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। हम पहुंच गए दोस्तों नैना देवी टेम्पल पे, और ये वहीं का एंट्रेंस है। और यहाँ से हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था है मंदिर के अंदर ही। फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों आगे बजरंगबली हनुमान जी का सबसे पहले यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं जय बजरंगबली। तो दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे को, जहाँ दुर्गा देवी की मूर्तियाँ आगतित की गई हैं। अभी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती हैं हमारे नैनीताल के लोकल लोगों के द्वारा, जो काफ़ी अच्छी कलाकृति मूर्तियों की करती हैं।
जो नैना देवी टेम्पल है वो बिल्कुल ताल के किनारे मल्लीताल क्षेत्र में है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या खूबसूरत नैनीताल लेक यहाँ पर दिख रही है, और कुछ जो है टूरिस्ट यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। देखिए दूर दूर तक काफ़ी खूबसूरत, अभी मौसम वेदर काफ़ी अच्छा है, और ये देख सकते हैं ढेर सारी मछलियाँ जो हैं मंदिर परिसर के बगल में ही आपको देखने को मिल जाती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं नैनीताल के, आपको कॉर्नर में ये मछलियाँ देखने को मिलती हैं, देख सकते हैं। दोस्तों बात करें रेस्टोरेंट की, तो नैना देवी टेम्पल से बाहर आते ही यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट भी हैं, आप यहाँ पर आके चाइनीज फूड ले सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नई ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।